का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब हरियाणा के किसान फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा किसानों के जुटान को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर्स को सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है। बहरहाल हम किसान आंदोलन की नहीं बल्कि उन योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनसे किसानों को लाभ मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। सिंचाई संबंधी एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाना है। सरकार ने किसानों के लिए सोर्स क्रिएशन, डिटेल बोर्ड, फील्ड एप्लीकेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस पर शानदार व्यवस्था भी बनाई है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक मदद की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है। इस योजना के लिए सरकार के पास एक विजन और मिशन है। फसलों को आपदा से नुकसान, कीट लगने या सूखा पड़ने पर बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। तीसरी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता देती है। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक मदद करती है, साथ ही जैविक खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। चौथी है किसान क्रेडिट कार्ड। किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 1998 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था। केंद्र सरकार की योजना के तहत कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4% प्रतिवर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्चरल लोन के साथ किसानों को सहायता दी जाती है। अभी तक इस योजना का लाभ 2.5 करोड़ किसान उठा चुके हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है। इस योजना के तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। ये रकम 3 किस्त में दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।